हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स. हमारे साथ हैं आरके, और अभी जैसे हमने उनसे एनिमेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनवाता है, तो जैसे हम मुझे अपनी पेंटिंग बनानी है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि पेंटिंग बन रही है और वो थ्रू मैजिक अपीयर होती जा रही है? Now this is another level of animation which has never been tried on PowerPoint before. What she wants is she wants a painting to magically appear. This trick can be very useful in corporate presentation. जैसे आप किसी की फोटो दिखाना चाहे और वो फोटो मैजिकली अपीयर हो जाए जो somebody important, तो बहुत ही अच्छा लगता है. और उसका स्केच हो तो और भी अच्छा लगता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक नॉर्मल सी फोटो ली है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, पहले तो हमने एक फोटो ले ली, ठीक है. इसके अंदर तीन चार चीजें चाहिए, तीन चार एलिमेंट्स चाहिए हमको. तो जैसे हमने फोटो ले ली, अब हमें इसमें तीन चार चीजें चाहिए. हमें एक तो फोटो चाहिए. अब ये फोटो को है ना, आराम से हम इसको है ना एक पोर्ट्रेट का लुक दे सकते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट ने क्या किया हुआ है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दिए हुए. जैसे होम पे वो क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दिखेंगे. आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में आप उसको पोर्ट्रेट वाला लुक दे सकते हैं, जैसे हाथ से ड्रॉ हुआ हुआ है. जो ये हम सिखा चुके हैं पहले, पर मैं आपको बता रहा हूँ. अब हमारे पास फोटो आ गई जो एज इफ अपीयर्स एज इफ इट हैज बीन पेंटेड. अब हम क्या करेंगे, एक हमको इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाके एक पीएनजी इमेज लेंगे हाथ की. Okay. What is PNG image? PNG image is like a transparent image. उसके right side, left side कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक हाथ सा होगा. तो ये हाथ हमने अलग से ले लिया. Now we have taken a hand, we have taken an image which looks like a drawing. Now what we have to do is we have to take a desk. वो desk भी ले सकते हैं हम इंटरनेट पे जाके. ये तीनों अलग एलिमेंट हो गए. ये डेस्क आपने देखा, डेस्क के ऊपर ये फोटो देखिए. फोटो को क्या करते हैं हम, डेस्क के ऊपर गिरा देते हैं. गिराने के लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मली पर्सपेक्टिव यूज करते हैं. पर्सपेक्टिव यूज करके इट इज अपीयरिंग एज इफ इट इज डाउन. एंड हमने वो जो हाथ है, हाथ को भी वो फोटो के पास लाके रख दिया. अब प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, वो मूव कैसे करेगा? मूव कैसे करेगा? सेकंड प्रॉब्लम है, इसके फोटो तो दिख रही है, फोटो तो पहले से बनी हुई है. यू वांट इट टू अपीयर. हियर एक एनिमेशन ट्रिक है जो बहुत सारी चीजों में, जो लुक बैक एल्बम में भी काम में आएगी. अब हम क्या चाहते हैं, हाथ पेपर पे हो पर उसमें फोटो ना हो. बिल्कुल. जब हाथ हिले तो फोटो का स्केच आए. तो मतलब आप माइंड में अगर सोचना चाहो तो आप हाथ को कौन सा मोशन पाथ दोगे, स्क्रिबल वाला? तो हम इधर जा रहे हैं, मोशन पाथ दे रहे स्क्रिबल का. एंड वी वांट द फोटोग्राफ टू अपीयर एज ही इज ड्रॉइंग इट. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, ये बहुत अच्छी एनिमेशन ट्रिक है. इसमें हम फेड इन करा रहे हैं, हम एड एनिमेशन में जाके फेड इन करा रहे हैं, लेकिन हम फेड इन करा रहे तो जैसे ही कर रहे वो आ रहा है. वी वॉन्ट इट टू फेड इन आफ्टर सम टाइम. मतलब आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या होता है, डिले. देखिए आप ध्यान से देखिए, राइट में डिले का बटन है. आप उसको 7 सेकंड बाद डिले कीजिए, और 7 सेकंड या 3 सेकंड बाद डिले कर दीजिए. और डिले से पहले मोशन पाथ पहले चलेगा, और डिले ओके उसके बाद में आएगा. और वो जो इफेक्ट है, नाउ सी द इफेक्ट टाइम ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम डिले सीधा इफेक्ट टाइम ऑल्सो. इफेक्ट टाइम को मैंने बढ़ा दिया. तो जैसे जैसे मोशन पाथ चल रहा है, और मोशन पाथ और उसको मैंने टाइमिंग, यू हैव टू सेट द टाइमिंग. वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, यू नो द एग्जैक्ट टाइमिंग कि कितनी देर में हाथ हिलेगा और कितनी देर में उसको अपीयर होना है. It will start appearing slowly, 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 slowly. और जैसे आप देख रहे हैं, आपने अगर by chance अपने bosses corporate में कितनी बार आपको introduce कराना होता है नए members को, और इस तरीके से अगर आपने किसी को कर दिया, जो कि मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे कर सकते हैं लोग, तो इसका तो बजा ही कुछ और होगा. बिल्कुल. So it will be like a magic portrait. Yes, that's it. And if you want to learn more such tricks, then you are most welcome to come on my website. And you also can share and like my Facebook page. And if you want to read the whole thing in your language, go to captions. Captions on karke aapko English mein sab kuch dikh jayega, which can be translated into any language of the world. So keep watching us on rkphotomagictricks.com for new tutorials. You can also subscribe to our YouTube channel so that you know whenever we post a new video. And you can also visit our Photoshop tutorials, which deal with more complex situations.
molo puchuka skinny eso molo nyirira pode eso molo pusanyusa look for arote So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ARKSHYA@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Tricks@gmail.com. Hey!